अगर आज तक आप ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं 5EMA स्ट्रैटजी को लेकर के, जो कि एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटजी है, और क्यों मैं स्कैल्पिंग को प्रमोट करता हूं मोस्ट ऑफ द वीडियोस के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाने वाला हूं कि इंट्राडे के कंपैरिजन में स्कैल्पिंग क्यों बेटर होता है। नो डाउट स्कैल्पिंग रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो रिस्क तो रहेगा, लेकिन क्यों ये आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल के दे सकता है इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो एक एक प्रोसेस को ध्यान से समझना। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैं आपको कल की डेट का चार्ट पहले दिखाता हूँ, क्योंकि आज का मार्केट तो अभी ओपन है और आज के मार्केट को लेकर के मेरा व्यू है साइडवेज टू बुलिश। इसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 5EMA स्ट्रैटजी से स्कैल्पिंग करके आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे निकाल पाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कल के मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे होती है, मार्केट लगातार नीचे जाता है और 5EMA स्ट्रैटजी क्या बोलता है कि कोई भी कैंडल अगर 5EMA से ऊपर क्लोजिंग दे दे, ध्यान देना 5EMA से ऊपर क्लोजिंग दे, नीचे नहीं, और उसका लो बॉडी या कुछ भी टच नहीं कर रहा है कैंडल का, तो ऐसे में लो ब्रेक होते ही हम एंट्री लेंगे और सेम कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। जिन लोगों को 5EMA स्ट्रैटजी कम्प्लीटली नहीं पता है, देख सकते हैं मेरे चैनल पे वीडियो है 5EMA स्ट्रैटजी एवरीथिंग गोपाल चौधरी के नाम से। ये स्ट्रैटजी जो पावर ऑफ स्टॉक्स जो यूट्यूब चैनल है उसके ऑनर है सुभाशीष, उनकी है, पावरफुल स्ट्रैटजी है, आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं, अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने इस स्ट्रैटजी को समझाया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यह स्कैल्पिंग में हेल्प करता है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस इसके अंदर हिट होता है, उन लोगों को मैं ये बता दूं कि आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको एक दो कैंडल का स्कैल्प करना है और किस जगह पे आपको पूरा 1:3 के टारगेट के लिए वेट करना है, जो कि इसका डिफॉल्ट टारगेट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है, ये वाला देख रहे हो, पहले तो यहाँ से देखो सारे कैंडल्स नीचे की तरफ क्लोजिंग हुए हैं, कोई भी 5EMA नहीं बना, यहाँ पर बन सकता था लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ भी लो ब्रेक नहीं हुआ, एक तरीके से बिल्कुल बराबरी पे ही है। ये कैंडल एक ऐसा है जिसमें डिसाइसिवली जो है, यानी कि बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है कि लो ब्रेक हुआ है। चलो मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ कि 1:3 का अगर आप वेट नहीं भी करते तो किस तरीके से ये आपको प्रॉफिट निकाल के स्कैल्पिंग में दे सकता है। पहली बात तो यहाँ पे 1:3 का टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने भी संडे का सेशन अटेंड किया हुआ है पिछला वाला, उनको अच्छे से ये पता है कि ये वाला जो एंट्री है यहाँ पे 1:3 के टारगेट के लिए हम क्यों वेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बताता हूं यहां पे कि किस तरीके से ये स्कैल्पिंग के लिए बेटर होता है ये वाली एंट्री। यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसके लो ब्रेक होने पे आप एंट्री लेते, कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होता, ठीक है जी। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जब कभी भी आपका स्विंग का हाई आपके कैंडल के हाई के नजदीक हो, ध्यान से समझना, आपके स्विंग का हाई आपके कैंडल के हाई के नजदीक हो तो आप स्विंग के हाई को स्टॉप लॉस बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्कैंडल का हाई जो है उसके ठीक नज़दीक स्विंग का हाई है, तो मैं विप्सो से बचने के लिए और सेफ साइड चलने के लिए मैं इसके हाई को स्टॉप लॉस लगाने की बजाय मैं स्विंग के हाई को स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ये मेरा जो पेड क्लास होता है संडे को उसमें से एक पॉइंट है, ध्यान देना, आपको स्विंग के हाई को स्टॉप लॉस लगाना है ना कि कैंडल के हाई को, अगर वो नज़दीक में है तो। ये बात समझ में आ गई। अब ये तो लग गया हमारा तकरीबन 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लगा दिया हमने नीचे तक का जहां तक कैंडल गया, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना मूव जो है मार्केट के अंदर आया और किस तरीके से आप इसमें से अपना प्रॉफिट चुरा सकते थे। यहां पे देखोगे तो जहां पे हमने एंट्री ली और जहां पे हमारे कैंडल का लो है उसके बीच में 63 पॉइंट का हमारा मूव है। अब इस 63 पॉइंट के मूव में से अगर आप 25-30 पॉइंट भी चुरा लेते तो आपके लिए इनफ है, यस और नो, ठीक है। अब यहां तक बात समझ में आ गई, कमेंट सेक्शन में लिख दो यस, वीडियो को कर दो लाइक, और जो लोग नए हैं पूरा वीडियो देखने के बाद भी लाइक कर सकते हो, अभी कर दोगे तो चैनल को सपोर्ट जो है इंस्टेंट मिल जाएगा। अब यहां पे देखो, ये बात तो हो गई यहां पे मार्किंग सर, ठीक है। अब कई लोगों का डाउट होता है कि सर यहां पे तो आपने दिखा दिया, ऑप्शन के चार्ट में इस तरीके से मूव जो है नहीं मिलता है, आप गलत दिखा रहे हो। चलो वो भी दिखा देता हूं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई जिस दिन हम ट्रेड ले रहे हैं वो दिन कौन सा है, वो दिन है मंडे। एक्सपायरी से 2 दिन दूर है, क्योंकि ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे को एक्सपायरी होगा, 2 दिन दूर है, यानी ऑलमोस्ट हम एक्सपायरी के नजदीक ही है। चलो स्ट्राइक प्राइस की बात करें यहां पे, तो या तो आप ATM ले सकते हो या फिर ITM ले सकते हो 100 पॉइंट। तो यहां पे हम ATM लेके चलते हैं, 47,280 का ये लेवल है, 47,300 का पुट ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो वो हमारा ITM हो जाएगा, सॉरी ATM हो जाएगा। ITM अगर होगा तो 47,400 लेना पड़ेगा, 100 पॉइंट और अंदर चले जाएंगे। है तो 47,300 भी ITM ही, लेकिन इसको हम ATM भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक है हमारे स्पॉट के
लेवल के पास, यानी 47,280 के सबसे नजदीक कौन सा है, 47,300, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एटीएम। ठीक है जी, चलो अब साइड में क्या करता हूं मैं, 47,300 का एटीएम जो है यहां पे मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, और अब देखो जिस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई है उस कैंडल का टाइम क्या है, यह है 11:40, और यहां पे देखो 11:40 वाली कैंडल ये रही, मैंने इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पे एंट्री मार्क कर दी है, और कैंडल का जो सेकंड कैंडल है उसका लो यहां पे था, तो सेकंड कैंडल का यहां पे हाई मार्क कर दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने चूज किया एटीएम स्ट्राइक प्राइस, कायदे से एटीएम स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा वैल्यू होता है वो 0.5 होता है, आप जानते हैं। अब डेल्टा वैल्यू के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर नीचे करता है तो ऑप्शन के चार्ट के अंदर प्रीमियम को 50 पॉइंट ऊपर नीचे करना चाहिए, यानी कि उसका आधा, डेल्टा वैल्यू 0.5 है तो आधा। ठीक है, अब अगर मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, यहाँ पे 60 पॉइंट का है, तो प्रीमियम के चार्ट पे कितने पॉइंट का होना चाहिए, 30 पॉइंट का। देखते हैं यहाँ पे कितने का लगा रखा है हमने, 32-33 पॉइंट का लगा रखा है, चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि हम एक्सपायरी के थोड़ा नज़दीक हैं, तो एक दो पॉइंट हम ऊपर भी अगर दे देते हैं तो चलेगा। अगर आप एग्जैक्ट 30 पॉइंट का लगाना चाहते हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं टारगेट का, नेक्स्ट कैंडल ने हमें कितने पॉइंट का टारगेट दे दिया, तकरीबन 63 पॉइंट्स का। अगर प्रीमियम पे बात करें तो कितना मूव करना चाहिए, 30 से 32 पॉइंट के आसपास, करेक्ट। अब यहां पे आके देखो तो एग्जैक्ट आपको कितना टारगेट मिला हुआ है, 32 पॉइंट, राइट हैंड साइड वाले चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 32 पॉइंट मिला हुआ है, यानी कि जितना मूव करना चाहिए उतना ही मूव मुझे मिला हुआ है। तो यहां पे कोई थीटा का इंपैक्ट देखने को तो नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ कि यहां पे थीटा का इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी एंट्री और हमारे एग्जिट पॉइंट जो हमने मार्क किया है, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, उन दोनों के बीच में कोई भी ग्रीन कैंडल यानी कि हॉल्ट नहीं है। मार्केट डायरेक्ट हमारी एंट्री से जहां तक का हमने टारगेट मार्क किया वहां तक लगातार चला गया है, तो इसलिए थीटा का इंपैक्ट वहां पे देखने को ना के बराबर मिला। अगर वहीं पे कोई ग्रीन कैंडल आ जाता, थोड़ी देर के लिए मार्केट होल्ड कर जाता, तो मुझे वहां पे क्या हो जाता, थीटा का डिटेल देखने को, मतलब थीटा का जो इंपैक्ट है वो देखने को मिल जाता। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि स्कैल्पिंग आप करो, क्योंकि अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको पता है कि मार्केट स्लो 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 ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। नीचे तो चलो फिर भी पैनिक में आ जाता है, ऊपर तो बिल्कुल ही स्लो जाता है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो वहां पे मार्केट को बहुत कम टाइम मिलता है कि वो होल्ड कर सके। आपका स्टॉप लॉस या आपका टारगेट तुरंत हिट होगा, और मुझे वही चाहिए, या तो मेरा स्टॉप लॉस तुरंत हिट कर दे या मेरा टारगेट तुरंत हिट कर दे, मुझे बीच में होल्ड मत करा। अगर होल्ड कराएगा तो वहीं पे मैं जो है प्रीमियम मेरा चला जाएगा, और यही एक बेनिफिट होता है स्कैल्पर का। इसीलिए मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग को प्रमोट करता हूं, और 5 EMA स्ट्रेटजी के बेस पे आप आराम से देख सकते हो कि 30-40 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर चुराना डेली बेसिस पे बहुत आसान है, वहीं 150-200 पॉइंट जो है मार्केट के अंदर बनाना बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है। समझ में गई बात? तो यहां पे मैंने आपको दिखा दिया 30 पॉइंट का टारगेट है, इस 30 में से अगर आप 25 भी ले लेते, मैं ये नहीं कहता पूरा, तो सिंगल कैंडल के अंदर प्रॉफिट हो गया ना। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो इन्वेस्टेड कैपिटल का 12% है ये, समझ रहे हो, 5% लेने के लिए लोग तरसते हैं और आपको इन्वेस्टेड कैपिटल का 12% का मूव देखने को मिल रहा है। क्या इसमें से 5-6% आप चुरा नहीं सकते? यहां पे देखो राइट हैंड साइड पे 11.83 है यहां पे, है ना, यानी ऑलमोस्ट 12% है, 12 में से 6-7% भी आपने ले लिया, काम हो गया इन्वेस्टेड कैपिटल का, जो पैसा आपका यहां पे लगा है। अब मैं आपको दिखाता हूं इन्वेस्टेड कैपिटल किसको बोलते हैं। देखो जब आपने एंट्री ली उस टाइम पे 271 रुपए का ये चल रहा था, ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 47,200, ये 47,300 जो है 271 रुपए का चल रहा था। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हो तो कितना पैसा यहां पे आपका इन्वेस्ट होगा, तो 271, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो 4,065 रुपए, 4,065 रुपए का आपको 12% तक का मूव देखने को मिल रहा है। और उसमें से अगर आपने 5-6% भी चुरा लिया, 4,000 का अगर मैं 10% देखूं तो होता है 406 रुपए, 10% एग्जैक्टली, और अगर उसका 5% देखता हूं तो तकरीबन 200 रुपए के आसपास। आप बोलोगे सर ये 200-300 रुपए के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं, स्कैल्पिंग यही होता है, अमाउंट नहीं देखना होता है, परसेंटेज देखना होता है। मैंने एक लॉट में आपको दिखाया कि आपको 400 रुपए तक का मूव मिला, यहीं अगर आपके पास 10 लॉट होते तो 4,000 रुपए बन जाते तुरंत से, समझ रहे हो बात आपका, और आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता तो 4,000 ही जाते, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे जब स्कैल्पिंग आप करते हो तो जिस तरीके से प्रॉफिट आपको क्विक मिलता है उसी तरीके से आपको स्टॉप लॉस भी क्विक हिट होता है, तो बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ यहाँ पे ट्रेड करना होता है। ठीक है जी, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आप लोगों को समझाने की कि स्कैल्पिंग क्यों बेस्ट होता है और 5 EMA क्यों अच्छा है। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग अटेंड करना है संडे का तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पे है, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल लीजिए और पार्ट बनिए संडे लाइव सेशन का। ठीक है जी, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एज ऑलवेज, क्योंकि लर्निंग ही आपको एक अच्छा
एंड सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। थैंक यू सो मच।